भाई जी का जो लॉन्ग फाइट था वो वॉन किया और काफी पॉजिटिव स्टेप लिया, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए हम सभी लिरिक राइटर्स ने और कंपोजर्स ने और सभी ने ऑथर्स ने पब्लिशर ने जावेद अख्तर साहब को अपना नेता चुना था। जावेद अख्तर साहब ने तो 2012 में ही कॉपीराइट अमेंडमेंट करवाया था संसद भवन में। थोड़ी देर लगी है लेकिन ये हमारी जीत है और एक ऐसी जीत है जो बिल्कुल सच्ची जीत है। हम हकदार हैं इसके, हमारे लिखे हुए हमारे बनाए हुए गाने जब चल रहे हैं तो हमें पूरी रॉयल्टी मिलने की मिलने का पूरा अधिकार हमें है। तो जावेद अख्तर साहब सचमुच बधाई के पात्र हैं, अगर वो हमारे लीडर ना होते आज तो हम भंवर में ही उलझे होते। बहुत बहुत शुक्रिया IBRS को, जावेद अख्तर साहब को। इस जीत को जितनी बड़ी बताया जाए उतना कम है। जावेद साहब ने जो काम किया है वो कोई कर नहीं सकता था। मतलब जितने भी IPRS के मेंबरान हैं, लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कंपोज़र हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी जीत है। और जावेद साहब का क्या कहें, जो काम उन्होंने किया है कमाल है, लाजवाब है। जावेद साहब ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने लिरिक्स एज ए लिरिक्स राइटर, एज ए शायर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, अगर वो सारे काम ना भी किए होते तो ये काम भी जावेद साहब को ज़िंदा रखता। इतना बड़ा काम है ये जावेद साहब का। फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में, म्यूज़िक इंडस्ट्री के इतिहास में जावेद साहब इस काम के लिए भी पहचाने जाएंगे और ज़िंदा रहेंगे।